वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अनी को जबरदस्ती बिठा दी थी यहीं पे बैठ। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ मैं तीसरी बार शूट कर रही हूँ। मैं बाहर आया हॉल में, मैंने कहा ये क्या क्या मुरुलू घर छोड़ के जा रही है, अपनी सारी लग्जरी आइटम्स लेके भाग रही है। तो आज की वीडियो में मैं अपना जितने भी मेरे पास लग्जरी बैग्स शूज जो भी है वो मैं दिखाऊंगी आपको ये वीडियो में। बट इसमें ये है कि मैं पूरा नहीं बताऊंगी, मैं हाफ करके बताऊंगी। कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको इसका पार्ट टू भी चाहिए, बिकॉज पार्ट टू के लिए भी मैंने चीजें रखी है, वो मेरी वीडियो में नहीं, वो मेरी फेवरेट चीज है ना ऐसे। वो पार्ट टू के लिए अलग वो है। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर ये दूंगी कि ये वीडियो शो ऑफ के लिए नहीं है। जब मैंने ये इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें मैं टीवी में देखती थी और मैं सोचती थी कि एक दिन ऐसा होगा कि चलो मैं खरीदूंगी। और मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब दुबई गई थी तो मैं कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज एक रियलिटी चेक था तब कि अभी रुक जा, थोड़ा सेव कर, आगे जाके फिर तेरे को जो करना है कर खर्चा, बट अभी थोड़ा सेव कर। सेव किया एंड फर्स्ट टाइम मैं अनी के साथ इंटरनेशनल ट्रिप की थी, दुबई गई थी एंड अनी का गाने का शूट था। तो हम लोग तब साथ में गए थे दुबई मॉल। फर्स्ट डे कुछ नहीं लिया हमने, हम ढूंढ रहे थे कि चलो ये है वो है, हम सब डील्स देख के आए थे, सब बैग्स देख के आए कि कौन सा लेना है शूज। तो फिर सेकेंड टाइम में अंधे हो गए थे। तो अनी ने जो मुझे गिफ्ट किया था ये मेरा फर्स्ट लग्जरी बैग था। ये बैग ही लग्जरी फर्स्ट था ना? हाँ, ये पहला मतलब। और वो अनी ने दिखा दिया, देखो भाई ये इट्स फ्रॉम ऑफ वाइट। पता नहीं क्या ही क्रेज था मुझे, मुझे ये दिखा था लाइक अनी ये बैग कितना सुंदर है, फिर लाइक गिफ्ट का से नो मोर। ये मैंने मालदीव्स में सिर्फ एक ही बार पहने, मैंने इतने सारे बैग्स लेके मैंने यूज ही नहीं किया, कि मैं ऐसे स्पेशल ओकेजन के लिए निकालती हूँ हमेशा, वैसे सोचती हूँ कि अभी नहीं यूज करूँ। मालदीव्स स्पेशल ओकेजन नहीं था, स्पेशल था। एक बार देख रहा हूँ ऑफ वाइट पहन रहे हैं, वो भी ये मॉडल मालदीव्स में, वाह देख अच्छा है, देख ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। तो ये अनी ने मुझे ये बैग दिया था, फिर अनी ने ये दिया तो फिर मुझे थोड़ी हिम्मत हुई कि मुझे भी कुछ लेना चाहिए खुद के लिए, लाइक खुद के वसा की थोड़ा वसा, वसा। फिर मैंने बेल्ट लिया था, वो मैंने एलए से खरीदा था, ये ऑफर का बेल्ट जो मैंने आज तक पहना नहीं, मतलब एक ही बार पहना। ये बेल्ट मुझे इससे नफरत, मैंने जब ये खरीदा था फिर मैंने अनी को दिखाया, अनी बोली ये क्यों लिया तुमने, क्यों लिया, गंदा आर्टिकल है ऑफ वाइट का। तो मैंने एलए में मैंने इतना खर्चा नहीं की थी, लेके दिया। तो मैंने थोड़ा मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा हिम्मत करके एक बैग ले लेती हूँ, थोड़ा ऐसा कि लगना चाहिए कि चल जो तूने लास्ट टाइम तो नहीं ली थी तो ये बार ले ले, एक बार एक बैग ले ले। तो मैंने परचेज किया मेरा फर्स्ट लग्जरी बैग, मुझे अभी भी याद है जब हम प्राडा के स्टोर में गए थे, मेरे रोने जैसा मुंह हो गया था जब मैं ये खरीद रही थी, क्योंकि ये पहले ही जब मैं देखी तो एकदम प्यार हो गया था। बहुत यूज किया, मैंने बहुत यूज किया ये बैग, बहुत अभी भी मेरे पास रहता है कि बहुत कम, सॉरी मैं ध्यान दूंगी, अभी थोड़ा पिचुक गया। ये मेरा फर्स्ट लग्जरी बैग, ये इसका मैंडेट ये पाउच रहता है जिसमें मैं एयरपॉड्स डालती हूँ, मैं हमेशा ये बैग लेती हूँ, फिर अनी बोलता है कि ये एयरपॉड्स में डाल, मैं बोलती हूँ कि जगह नहीं है तो ये हमेशा वहाँ पे डाल देता है बैग। इसके पर्स में आधा सामान तो मेरा ही होता है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट बैग है, मैंने ये दुबई में बहुत पहनी थी, मैंने सब ट्रिप में पहना ये बैग, सब ट्रिप, ये मेरा फेवरेट बैग है स्टिल। फिर उसके बाद फिर मैंने दुबई में ब्लैक डियोर सैडल बैग लिया था जो वापी में, वो बहुत एक्सपेंसिव बैग था वो टाइम पर, बट उसमें मैंने एक और कलर लिया है, वो भी लिया था यूरोप। इसमें सीन यही हुआ था कि डियोर के जो बॉक्सेस थे इतने बड़े बड़े वो लोग दे रहे थे, टोट बैग के लिए भी इतना बड़ा बॉक्स था, और ये नॉर्मल इसके सैडल बैग के लिए भी इतना बड़ा बैग दिए थे। जब दुबई में लिया था तो तभी मैंने लेके आ गई थी बॉक्स, तब छोटा वो उन लोग ने दिया था, बट जब मैं पेरिस गई थी इतना बड़ा बड़ा बॉक्स दिया था, ये मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कहाँ, और ट्रैवल भी नहीं कर सकते ये सब चीजें लेके। दिस इज
ये पहना ही नहीं एक भी बार, एक बार पहना है स्पेन में। तो दिस इज सैडल बैग वाइट में, एंड इसका मैंने स्ट्रैप भी लिया है कि स्ट्रैप के बिना फील नहीं आता है। तो मैंने ये स्ट्रैप लिया है, बहुत ही सुंदर स्ट्रैप है। इसमें बहुत सारे कलर्स थे उनके पास, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा था ग्रे। पर मैं बोलूँ ना, सच में मेरा फेवरेट ब्रांड क्रिस्टीन डियोर ही रहेगा सीधी, बिकॉज इनका डिटेल से लेके पैकेजिंग से लेके सब 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 चीज बहुत सुंदर लगता है। पैकेजिंग नया था ना इनका, क्रिसमस वाइब क्रिसमस फुल क्रिसमस का। इसमें मेरे पास ब्लैक में भी है जो मैंने दुबई में ली थी। अरे यहाँ पे मेरे बैग्स पैक कर रहा है वो, गुड बॉय। नेक्स्ट, ये मैंने वहां से खरीदा, पेरिस में ही खरीदी थी, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। मैं सोच रही हूँ मैंने सिर्फ एक बार पहना इंडिया में, और मैं बता नहीं सकती पीछे कैसी हालत हुई है, नहीं तो सब मुझे गालियां देंगे। मैं दिखाऊंगी नहीं, पर मैंने एक ही बार पहना है अभी तक। ये सब पहले के लिए थोड़ा ना होते हैं, पैसे खर्च के बस अलमारी में रखने के लिए होते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। पर ये बहुत ही सुंदर स्लाइड्स है। फिर अनी ने मुझे एक और गिफ्ट दिया था पेरिस में जाके, वो है डियोर का बेल्ट। सो मैंने अभी तक ये पहना ही नहीं है। दिस इज द बेल्ट डियोर, ये अनी ने मुझे गिफ्ट करा। मुझे ना एक्चुअली वहाँ पे पेरिस में उसके ज्वेलरी चाहिए थे डियोर के, मुझे सीडी का वो नेकलेस जो मैंने नगमा को दी थी वो सेम मुझे वो चाहिए था। मैं अनिल ने बोला कि सब जगह में बेस्ट है ये, इतना काम आया है ना मुझे ये बैग पूरे ट्रिप में, स्पेन के पेरिस के। हमारे लगेज बैग के ऊपर पड़ा रहता था। हाँ, ये है हमारा। पीछे का क्यों दिया तुमने साल टोट बैग फ्रॉम सीडी, एंड इधर मैंने अपना पर्सनलाइज्ड नेम भी करा हुआ है ब्रूनो, बहुत ही अच्छा बैग है। तो डियोर से दुबई में मैंने ये शूज लिए थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये मेरे फेवरेट पैर है, बट ये थोड़ा अनकम्फी है क्योंकि मैंने इतनी बार पहना नहीं है, एंड एक बार मेरा शू वाइट हुआ था बहुत गंदा, बट स्टिल आई लव द डिजाइन, एंड ये हर आउटफिट पे जाता है। अगर मैं कुछ वन पीस भी पहनती हूँ तो उसके नीचे बहुत मिनिमल येट क्लास। यस, सब कुछ मेरे ऊपर पहनने की जरूरत नहीं, सेट ही रखूंगा। नहीं, नेक्स्ट वी हैव इस गुची। हाँ, ये मैंने बॉम्बे से लिया था। तो ये गुची का बेल्ट मैंने लिया था बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, एंड ये पहनती भी हूँ। मैंने पेरिस में बहुत पहना, सो हुआ यू कि मुझे गुची का ये बैग इंडिया से नहीं खरीदना चाहिए था। मैं पेरिस में ही खरीद सकती थी और मुझे ज्यादा रीजनेबल रेट में मिलता। बहुत ज्यादा रीजनेबल रीजनेबल रेट दो बैग आ जाते हैं। हाँ, और साथ में टैक्स भी होता, बैड चॉइस। बट यस, मैंने ये पूरे ट्रिप में इतना पहना ना, ये पेरिस के ट्रिप में बहुत ही काम आया ये बैग, क्योंकि क्लासिक बैग है एंड इसमें स्पेस भी इतनी है। मतलब कितना कुछ मैंने पासपोर्ट से लेके सब कुछ मैंने ये बैग में रखा था। ये बहुत ही काम आया मेरे को पूरे ट्रिप में ये बैग। तो मेरा ये फर्स्ट लुई वुइटन मैंने ये लिया, इट्स अ ट्रंक बैग। पिछुक गए ये भी। ये मेरा फर्स्ट परचेज है फ्रॉम एलवी, एंड इट्स अ ट्रंक बैग। ये पेरिस से लिया। हाँ, ये पेरिस से मैंने लिया था। इसमें भी सीन हुआ था कि मैं पासपोर्ट ही नहीं लेके गई थी, पागल ही था। ये बैग भी मैंने अभी तक उन्हें यूज नहीं करा इतना। मैं कोई भी बैग अभी तक मैंने ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि ऐसे मैंने रखा है कि सुवेनियर की तरह, कि जब भी यूज करूंगी तो करूंगी। तो ये जब मैं खरीदी थी तब मैं इतनी खुश हुई थी, बिकॉज बहुत खुश हुई थी ये बैग लेके, बहुत खुश हुई थी। अलग लेवल की खुशी हो रही थी ऐसा भी। फिर उसके बाद ये बैग से मुझे नफरत है, बट प्यार भी है। ये बैग मुझे इतना पसंद है, एंड मुझे एक्चुअली दूसरा आर्टिकल चाहिए था बैकपैक में, वो आई थिंक
कॉमनली सबके पास है, वो सब इन्फ्लुएंसर्स के पास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स के पास देखे तो मैंने वो ही देखा था. और जब हम गए भी थे स्टोर में खरीदने तो तब उसने बंदे ने भी वही बोला था कि ये काफी इन्फ्लुएंसर्स पहनते हैं, ट्राई दिस वन, मुझे ये भी बहुत पसंद आया था. तो हमारे साथ ये हुआ कि ये मैडम गई वॉशरूम में बैग लटकाया और मैडम बाहर आ गई और 5 मिनट के बाद रियलाइज होता है कि बैग नहीं है हमारे पास. और द बेस्ट एंड द वर्स्ट, बेस्ट तो कुछ नहीं, वर्स्ट पार्ट उसमें ये था कि उस बैग में हमारे पासपोर्ट, मेरा पर्स, इसका पर्स, सब कुछ, हमारा कैश सारा इस बैग में था. और हम जो भागे है ना पुलिस स्टेशन, और डियोर बैग में यही बैग था, यही बैग. बट इन द एंड हमें मिल गया, क्योंकि आधे घंटे में हमारी दुनिया ऊपर नीचे हो गई. मैं रो रही थी. बट आधे घंटे के अंदर अंदर हमें बैग मिल गया. हम भाग रहे थे, मैं रो रही थी. मम्मी आनी सो सॉरी, आनी बोला कि तू चल ना. बोले अभी तू सॉरी बोले तू जो मर्जी कर, क्या करूंगा मैं. तो बहुत ही अच्छी मेमोरी भी है, बुरी मेमोरी भी है, जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी. बट ये कौन लटकाता है? अन्नी तुझे याद नहीं है मेरी पैंट के साथ क्या हुआ था? मैं वो हादसा नहीं बताऊंगी क्या हुआ था, बट हुआ था कुछ कि उसकी वजह से मैं पूरा दिन अपसेट थी. तो ये मेरा सेकंड परचेज था फ्रॉम LV. जब हम फाइनल ट्रिप हमारा जो था स्पेन का, जब हम आ रहे थे तो तभी हम एयरपोर्ट पे गए एंड हमारी वापसी पेरिस थी. तो अन्नी भी वहां पे बहुत खुश था. तो फिर अन्नी बोलता ले लो यार, ये मेरी तरफ से तुम्हें, ये बैग मेरा, ये मेरा फेवरेट है. मैं भी पहनता हूँ इसे. हाँ अन्नी भी पहनता है. एंड मैंने ये, इसके बारे में मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा है, पर मैं ये बहुत पहनती हूँ इन रियल. मैं देता हूँ, बतानी थोड़ा होती है कि भाई अन्नी ने गिफ्ट किया. अन्नी थोड़ा मैं इन रियल ये बैग बहुत पहनती हूँ सब जगह. बतानी क्या, अन्नी ने इतने प्यार से, वाह अन्नी ने कितने प्यार से किया, आई लव यू. और तुझे पता है ना क्या देना है मुझे? तो ये मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे कहीं यही लेके जाती हूँ मैं. अभी ये मुझे ये रीसेंट गिफ्ट मिला है फ्रॉम अ फ्रेंड ने, अभी उसने भी व्लॉग डाला हुआ है. जब अ फ्रेंड कोच से ये बैग मुझे बहुत पसंद है, मैंने अभी तक यूज नहीं करा है, मुझे अभी तक मालूम भी नहीं पड़ रहा है मैं किसके साथ ऐसा पहनू ये वाला, क्योंकि है ही नहीं, अच्छा पहन ही नहीं सकती किसी का, कितना झूठा है ये. अच्छा ही ना चाहिए था, और किसने दिया ऐसा गिफ्ट, है कौन है? अ फ्रेंड अनिल को प्लीज पकड़ो एंड मारो, ठीक है? तो मुझे उसने ये दिया, वो अभी लंदन गई थी एंड वहां से. अच्छा नगमा ने दिया, ओ फिर तो ऐसी आया, ऐसा ही आना था, चॉइस ऐसी है. नगमा मारेगी तेरे को बहुत. तो ये मेरा बहुत बहुत ही अच्छा एंड डिसेंट बैग है, बस इसको ब्राउन टोन ब्लैक टोन के साथ ऐसे पहन के मुझे ये बहुत पसंद है ये. हाँ बस वही अच्छा है. ये लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बैग लूंगी. एंड जब मैं खरीद रही थी मैंने 100 बार मैंने अनिल को भी पूछा एंड मैं 100 बार ऐसे सोच रही थी कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर इन द एंड आई वाज लाइक ले ले भाई ले ले. ये मेरा सबसे प्यारा बैग है, इट्स फ्रॉम शनेल, मेरा फर्स्ट शनेल. एंड मैं बहुत ही खुश थी जब मैं ये खरीद रही थी. नो डाउट जब हम स्टोर में गए थे जो लड़की, आधा घंटा तो खड़ना पड़ा था बाहर लाइन में, जो लड़की थी वो बहुत रूड थी वैसे देखा जाए तो. याद हो तो तेरे को वो कैसा थी? एक्सपीरियंस गंदा था, पर मुझे ये चाहिए था क्योंकि मुझे ये ब्रांड पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे हमेशा से एक बैग चाहिए था. चार्जिंग खत्म चाहे, सॉरी गाइस लास्ट में वीडियो लो बजट हो गए. चार्जिंग चल यहाँ से फ्लैश दे. हाँ चलो अभी लाइट ज्यादा भी बन जाऊंगा. हाँ, देखो अभी मेरा पर्सनल लाइट आएगा. पर्सनल लाइट आएगा. पता क्या होता है यार, हम ऐसी जगहों पे ये पर्सनल मतलब बड़े बड़े स्टोर्स में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बहुत बड़ी होती है, ठीक है? आफ्टर दैट लाइन जब आप अंदर जाते हो देन यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग नाइस. और उसमें भी जो वो होता है क्या बोलते हैं उनको, एम्प्लॉयज होते हैं उनके, वो थोड़ा रूड हो जाए तो फिर ये क्रिसमस की वजह से दैट वाज मतलब पैकेजिंग सबकी अलग अलग थी थोड़ी. मिनी फ्लैप बैग इन
द शेड बेज एंड गोल्डन मैंने ये पूरा लिया. एक्चुअली सिल्वर में भी था पर मैंने गोल्डन लिया बिकॉज आई लव गोल्डन. मेरे स्किन टोन से ज्यादा गोल्ड अच्छा लगता है और भी बता दे. एक्सेसरीज मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैं तुझे बनवा के दे दूंगा. अच्छी ठीक है बनवा के दे दो. नहीं बनवा के दे रहा है. वो एंड ज्वेलरी में सिर्फ मेरे पास यही मैंने अभी तक इन्वेस्ट करा है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा. This is from Vivian Westwood. तो ये मेरा फेवरेट नेकलेस है जो मैं नाउ एंड देन पहनती रहती हूँ. और दो तीन बैग्स है जो मैं ये वीडियो में नहीं दिखाई हूँ वो इसीलिए क्योंकि सेकेंड वीडियो के लिए आएगा. तो दिस वॉज इट. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ. ये सब चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकती हूँ एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग कि जो जो मुझे चीज़ें मिली है मेरी मेहनत की वजह से मिली है एंड आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया. मैं ज्यादा भी बोलूंगी नहीं वीडियो में. बस यही बोलूंगी दिल से थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड मेरे ड्रीम्स को भी. एंड अनी ऐसे बैठ गया है उसके हाथ टूट गए तो मैं जल्दी से बोल रही हूँ. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू वॉन्ट टू सी पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाय बाय.